गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखा मम्मी पापा जा रहे हैं खेत में, तो मैं भी जा रहा हूँ खेत में। चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो ये है छोटा सा रास्ता जहाँ से हम जाएंगे खेत में, और ये निकल लिया हम खेत में। देखो यहाँ पर सृष्टि बैठी है। सृष्टि हाय कर दो। हाय, क्या कर रही है सुबह सुबह? सो गाइस, अब आ गया मैं खेत में। और लास्ट टाइम मतलब मैंने एक दो महीने पहले आपको खेत की वीडियो बना के दिखाई थी, और अभी देखो मम्मी पापा खेत पे लगे। पापा हैं, मम्मी हैं, तो सबसे पहले ऐसा है सुबह सुबह आ गए खेत में। मारा निकाल है बाबा, आज संडे, आज तो रेस्ट करते, उधर निकल फायदा उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगा रहे हो आज? राई का विचार है। राई, राई बोई जाएगी। हाँ, अभी तो हमने राई बोई थी। हाँ, फिर से राई, फिर से राई। हाँ, भिंडी, इससे पहले हमने भिंडी बोई थी और मिर्च लगाई थी। मेरे पीछे खीरा है और कद्दू की बेल है। कद्दू लगे पापा इस बार? लगने वाले छोटे छोटे, लगे छोटे छोटे भी लगने वाले हैं। कुछ तो हम खा भी गए हैं, है कि नहीं? चलो मैं भी खोदता हूँ आपके साथ थोड़ा। पहले जरा मैं एक सूट बना लूँ। ये देखिए गाइस, इन पे मिर्ची लगी है। कितनी सारी मिर्च लगी उस टाइम पे, केवल मैंने आपको पौध दिखाए थे जिस टाइम पौध लगे थे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये गाइस टर्मरिक हल्दी, उस टाइम बहुत छोटी छोटी थी। अभी देखिए आप, ये मेरी हाइट के बराबर हो गई हैं। और ये देखिए आप, मिर्ची लगी हुई है इधर। नहीं पाया मिर्चों की अगर मैं बात, इधर भी हमारी मिर्ची लगी हुई है सारे। इधर अरबी है और ये इधर सृष्टि है। ये रहे हमारे बड़े नींबू, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। एक्चुअली सर्दियों में खाते हैं इनको ना। सर्दियों में क्या है कि दिन के टाइम जब ज़्यादा धूप लगती है तो छत पे बैठ के जो है इनका हम जो है मोछार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या है, वो मैं आपको टाइम आने पे दिखाऊंगा। और गाइस वाओ, अमरूद लग गए यार इस बार। बहुत छोटा सा पेड़ है यार, इस पर भी अमरूद लग गए हैं। आप देखिए नींबू भी बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो गाइस दाढ़ी की कटिंग भी हो गई है, और देखो दो तीन लुक तो बना सकते हैं हम ऑलरेडी। तो आप बताना कौन सा लुक बढ़िया लगता है। चलो इसके बाद देखते हैं और क्या क्या करते हैं आज दिन भर में। बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस बीच ब्लॉग में दाढ़ी भी कट गई है, और अब आप सोच रहे हो कि बैग हेलमेट लेके और ये रेडी होके आखिर मैं जा कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो लास्ट मंथ मैं गंगना नहीं गया था, जब फैमिली के साथ जीजू दीदी और मेरे साथ आए थे, तो उस टाइम पे मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो मम्मी पापा को ज़रूर यहाँ पर विज़िट करवाऊँगा। और आज संडे है और संडे का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, पापा की आज छुट्टी है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको घुमा के लाता हूँ और पापा मम्मी को लेके जा रहा हूँ मैं गंगनानी। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है अभी। चलो तो गाइस अपना पैंथर, और अब इसको खोलते हैं। सो गाइस ये रहा अपना पैंथर, इसको लेके जाते हैं। ये आज संडे है तो पूरा मार्केट खाली है, आप देखो। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, और मैं आपको बताऊं तो मम्मी पापा साथ में आए हैं, और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज उनको लाके, क्योंकि मम्मी बता रही थी मुझे कि मतलब आज यहाँ पर कम से कम 14 साल के बाद यहाँ पर आ पाए हैं आज, तो काफ़ी खुशी होती है। चलो मैं आपको दिखा, गाइस आई एम वेरी लकी कि आज हम सडनली यहाँ पर आए, और आज यहाँ पर देवता की डोली भी आ गई है। जय हो पर।
देख आ रही है भाई, आ रही है भाई, भी बेइज्जत करा रहा भाई। वो तो है ही, तो वो तो क्या है, थोड़ी है। गंगा के पानी में स्नान करने के बाद अब पापा मम्मी और मैं अब मंदिर के दर्शन करेंगे। चलो पापा अंदर चलो। जय गंगा मैया, यमुना मैया की जय। बाकी आप सभी पंडित जी से तो मिल ही चुके हैं। अरे यहाँ दो मूर्तियाँ हैं। प्रसाद ग्रहण कीजिए। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम आ चुके हैं बाहर। तो आज यहाँ आ गए। मम्मी कैसा लगा आज आके? अच्छा लगा। कितने दिन बाद आई यहाँ पे? बहुत दिन बाद। बहुत सालों बाद। बहुत सालों बाद। अम्मा के साथ? अम्मा जी के साथ। उससे पहले तो पता नहीं कब आए, 14-15 साल बाद आए होंगे। और उससे पहले? पहले मेले आए होंगे कभी, अचानक से आए। बाकी अच्छा लगा आज भी। कुंड भी बहुत बढ़िया बन रखा है। गाइस देख रहे हो, मम्मी पापा को बहुत मज़ा आया। और मेरा एक ही चीज़ का कहना है कि आप घर में रहते हो, आज कल अगर टाइम लगे तो मम्मी पापा को घुमाने नहीं जाओ यार, उनका मन करता है घूमने का, घर के काम में फंस जाते हैं। तो गाइस और बने रहिए। तो मंदिर प्रांगण में स्नान करने के बाद और ये देवता की डोली देखने के बाद अब जो है हम जा रहे हैं सामने, क्योंकि यहाँ से केवल 50 मीटर की दूरी पे अगर सीधे डिस्टेंस देखें तो यमुना नदी भी सामने पे बहती है। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। है मम्मी, अब हम यमुना नदी पे चलते हैं इधर से। चलो हाँ। यमुना नदी, गंगा यमुना बहने बहने दोनों माताएं एक साथ इधर ही हैं। और वी आर वेरी लकी टू बीइंग हेयर। और हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम इतने नज़दीक आके इनके दर्शन कर पाते हैं। ये यमुना नदी है। ये है यमुना नदी। आपको गंगा जमुना के दर्शन भी करवा दिए हैं और आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि मम्मी पापा को घुमाने भी ले जाएं कभी कभी। और अब चलते हैं घर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने नाम से कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय। Alif Allah, Alif Allah, Alif Allah, Alif Allah.